हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर देंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टेलीप्रैम। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और बोलनी है कि जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टैली को ओपन कर लिया है। कुछ 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लगते हैं ओपन होने में। तो ये हमारा जो है टैली प्राइम ओपन हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल रहा और लाइसेंस एक्टिवेट करने को बोल रहा है। दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है मल्टीपल। सिंगल में केवल एक ही यूज़र यानी एक ही डेस्कटॉप पर आप यूज़ कर सकते हो लाइसेंस को, और मल्टीपल में आप बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो पीसी। ठीक है, तो अभी हम एजुकेशन मोड में एंट्री करेंगे। और एजुकेशन मोड में केवल एक और दो तारीख का ही एंट्री होती है, बाकी जो 3 तारीख है 4 तारीख है अगर डालेंगे तो वो एंट्री नहीं होगी। उसके लिए हमें लाइसेंस को परचेज करना पड़ता है। तो चलिए हम एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कैपिटल टी भी प्रेस करेंगे तो ये आपका एंटर हो जाएगा, और आप माउस के बटन से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है डाटा पाथ, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, एसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और यहाँ पर जितनी भी कंपनी बनाएंगे उन सभी का लिस्ट में, मतलब यहाँ पर सभी का नाम दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है तो यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, इस पर एंटर करेंगे। या आप माउस के बटन से आप एंटर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और या आप कीबोर्ड के अप डाउन एरो से आप ले जाकर प्रेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टैली में मास्टर बनना है तो हो सके तो आप लोग कीबोर्ड से ही प्रैक्टिस करें, माउस का कम ही यूज़ करें। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर कंपनी को क्रिएट करेंगे, और इस कंपनी को क्रिएट करने के बाद ओपन करके इसी कंपनी में काम करेंगे। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अगर ये कंपनी में बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ गलती से कुछ और लिखा गया, हमें क्रिएशन करना है तो क्या कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन भी टैली देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखता है आपको कंपनी डाटा पाथ, आप किस फोल्डर में ये सारे डाटा हैं वो रखना चाहते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करके वो डाटा को फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कंपनी नेम का, तो यहाँ अपना कंपनी का नाम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एंटर करेंगे। फिर मेलिंग नेम में सेम ही रहने देंगे, एड्रेस में अपना कंपनी का जो नाम है वो, कंपनी का जो एड्रेस होता है वो पूरा फिल करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस भरेंगे, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, यू प्रेस करेंगे तो जितने भी यू से स्टेट होगा वो सारे इस लिस्ट में दिख जाएगा। तो यहाँ से हम डाउन और अप एरो से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये कंट्री में इंडिया रहने देंगे क्योंकि हम इंडिया से ही हैं, और पिन कोड में अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद एंटर, टेलीफोन फोन है तो इसमें डाल देंगे, एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, फैक्स नंबर है तो डाल देंगे वरना ब्लैंक ही छोड़ देंगे, एंटर, ईमेल डाल देंगे यहाँ पर।
एंटर करेंगे। वेबसाइट अगर है कंपनी की तो यहाँ पर टाइप कर देंगे, नहीं है तो खाली ब्लैंक छोड़ देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च तक होती है। इसके बाद न्यू फिर से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आज डेट है 6/1/2023, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 1 अप्रैल 2023, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये होता है कि जिस दिन से आप कंपनी ये बना रहे हो, ठीक है, जिसमें इन्फॉर्मेशन भर रहे हो वो उस दिन का डेट डलता है। मान लीजिए 6 तारीख है, अगर आप 6 डालेंगे इसमें 6 जनवरी 2023 एंटर करेंगे तो अगला नेक्स्ट नहीं जाएगा। ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हमारा ये एजुकेशन मोड है, तो हमें इसे 1 या 2 ही रखना पड़ेगा। तो 2 तारीख डालेंगे 1/2023 एंटर करेंगे, इसके बाद एंटर नहीं जा रहा है क्योंकि जनवरी है, एक ही एंट्री होता है बस। या तो आप मार्च का कर लीजिए या अप्रैल का कर लीजिए। जैसे यहाँ पर डालेंगे 2 अप्रैल 2023 एंटर करेंगे तो अगला नेक्स्ट पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी सेट टैली पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, अगर आप इसे यस करते हैं तो यहाँ से आप एंटर करके पासवर्ड भर सकते हैं और यहाँ पर टैली पासवर्ड भरना पड़ेगा। इसके बाद नीचे भी आपका क्या है, यहीं से वो नो कर देंगे और कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको यस करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम डालना पड़ेगा और इसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आपके अलावा कोई दूसरा ये कंपनी का जो है वो खोल नहीं सकता है, ठीक है, तो इसे भी नो कर देंगे। और यहाँ पर सैंपल में हम आर ही रहने देंगे, फॉर्मल नेम में INR रखेंगे, इसे एंटर करा के एक्सेप्ट करा देंगे, यस करेंगे या माउस के बटन से आप यस कर सकते हैं। यहाँ से मेंटेन अकाउंट को यस रहने देंगे, एनेबल बिल वाइज एंट्री को यस ही रहने देंगे, इसको एनेबल कोस्ट एंड कंट्रीज के आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें ऑप्शन में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इसे जू का तू रहने दें, ठीक है, और इसे एंटर करा के अगर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर GST यस किया था तो यहाँ पर GST का जितने भी इंफॉर्मेशन है वो भरने के लिए बोल रहा है। बैक आते हैं और इसे GST को नो कर देंगे, फिर एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारी जो कंपनी है वो बन गई है, अब जो भी हम काम करेंगे इस कंपनी के अंदर ही काम करेंगे। तो हमने ये सीख लिया कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अब इसका अगर मान लीजिए उस कंपनी में क्रिएशन करना है कुछ, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप या तो माउस के बटन से आप इसे यहाँ से क्लिक करके ये ऑप्शन पर आ सकते हैं, या आप शॉर्ट की है इसका F3 उसे प्रेस करके आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आना है और आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है अल्टर कंपनी का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको क्रिएशन करना है आप कर सकते हैं, सुधार करना है जो भी कर सकते हैं, या तो आप इसे एंटर करा करा के आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, या आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। अब इस कंपनी को हमें डिलीट करना है तो फिर से क्या करना है, यहाँ से एस्केप के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो F3 फिर से प्रेस करेंगे,
यहाँ पर फिर से अल्टर में आएंगे, अल्टर कंपनी एंटर करेंगे और यहाँ पर हम अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे और ये आपको पूछ रहा है यस या नो, तो हमें यस करना है, डिलीट करना है तो एंटर प्रेस करेंगे। आर यू श्योर बोल रहा है, एंटर करेंगे तो हमारी जो कंपनी है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने तीन चीज़ें सीखी, कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कंपनी को डिलीट करते हैं तो ध्यान से एक बार सोच लें, क्योंकि अगर एक बार डिलीट हो जाएगी कंपनी तो उसका रिकवरी के लिए कोई भी ऑप्शन टैली नहीं देता है। तो मेरे चैनल पर जितनी भी टैली प्राइम की वीडियो मिलेगी वो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी देखने को, तो आप एक सीरियल वाइज से टैली प्राइम की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर कंपनी और हाउ टू डिलीट कंपनी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।